प्रदीप एक बार फिर आप लोगों के साथ एक नए टूर पे। और अभी मैं कोलंबो से कल के लिए इस ट्रेन से सफ़र कर रहा हूँ। और दोस्तों, इस सफ़र की सबसे खास बात यह है कि आप ट्रेन से ही समुद्र के इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। और पूरा श्रीलंका इसी व्यू के साथ ट्रेन से आप घूम सकते हैं। दोस्तों, जब मैं इस ट्रेन का टिकट ले रहा था, तब मैं एक चीज़ से बहुत सरप्राइज हुआ। मैंने देखा कि आज भी यहाँ पुराने स्टाइल वाले ही टिकट मिलते हैं, जो हमारे भारत में बहुत पहले छोटे स्टेशनों पर मिला करते थे, वो तख्ती वाले टिकट। दोस्तों, कल में आपको घूमने के लिए बहुत सी जगहें मिलेंगी। पहले आप यहाँ का किला घूम सकते हैं, फिर यहाँ का लाइट हाउस, उसके बाद यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम भी है जो आप देख सकते हैं। तो आइए पहले हम यहाँ का फोर्ट घूम लेते हैं। ये है गल का किला, आप देख सकते हैं। और आज शायद कुछ खास दिन है, जिस वजह से ये ब्रिटिश समय की गाड़ियाँ इस किले के अंदर जा रही हैं। यहाँ के ऑटो का भी कोई फिक्स कलर नहीं है, ये रंग बिरंगे हो सकते हैं। दोस्तों, कल के किले से ही आपको समुद्र का खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलेगा। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं और इस नज़ारे का लुत्फ उठाते हैं। और दोस्तों, ये है यहाँ का लाइट हाउस, जो फोर्ट के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली जगह है। और यहाँ के बीच पे जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, वो है यहाँ का सनसेट, बहुत ही सुंदर। दोस्तों, आप चाहे श्रीलंका के किसी भी बीच में चले जाइए, वहाँ आपको तेज हवा के साथ गर्मी भी जरूर महसूस होगी। और आपको हमेशा ये मन करेगा कि कपड़ों के साथ ही पानी में घुस जाए। दोस्तों, एल्ला में भी आप बहुत सारी जगहों पे घूम सकते हैं। यहाँ दूर दूर तक आपको खूबसूरत पहाड़, चाय के बागान और जिप लाइन का आनंद लेते हुए लोग दिख जाएंगे। इसके अलावा आप यहाँ के नाइन अर्च ब्रिज पर भी घूम सकते हैं, जो बहुत ही सुंदर है। और एला में आपको ट्रेन के सफर का आनंद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेन से जो व्यू आप देखेंगे, उसकी बात ही कुछ और है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि कल और एला का ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और आगे और अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।